दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा स्मार्ट वॉच ढूंढो जिसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर हो, एमोलेड स्क्रीन भी हो और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर हो और साथ ही साथ जितने भी कॉमन फीचर्स है वो सब हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ एमएस फिट का पॉप 2 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसका अनबॉक्सिंग करूँगा और साथ ही साथ डिटेल्स में सब कुछ आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो और मैं जल्दी से जल्दी इसका अनबॉक्सिंग शुरू करता हूँ। और ये रहा हमारा स्मार्ट वॉच, अभी इसको जल्दी से जल्दी खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये रहा स्मार्ट वॉच का बॉक्स, आप देख सकते हो कि इसका लुक्स कैसा है। ऊपर ही एम एस फिट का लोगो है और नीचे इसका मॉडल नाम पॉप 2 लिखा है। इस स्मार्ट वॉच में जो खास बातें हैं उनमें से एक है कि इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर्स भी दिया हुआ है और इसके साथ ही आपको 1.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले भी मिलता है। बॉक्स को थोड़ा सा टर्न करते ही यहाँ पे आपको कंपनी का टैगलाइन दिखाई देगा, अप योर गेम। और पीछे की तरफ यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स दिखाई देगा जो कि मैं आपको वन बाई वन सब कुछ दिखाने वाला हूँ। और बॉक्स को खोलते ही यहाँ पे आपको बहुत ही लंबा सा एक प्रोडक्ट मैनुअल दिखाई देगा। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्कैन एंड विन का कुछ बेकार पेपर मिल जाएगा जो कि कोई काम का नहीं है, तो उसे भी साइड में रखते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल जाएगा। और ये रहा हमारा स्मार्ट वॉच, यहाँ पे आप इसका डिस्प्ले देख सकते हो। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है क्योंकि इसका डिस्प्ले जो है एमोलेड डिस्प्ले है और इसका डिस्प्ले साइज भी बड़ा है, 1.78 इंच का इसका डिस्प्ले साइज है। डिस्प्ले रिजोल्यूशन यहाँ पे आपको 368x448 पिक्सल का यहाँ पे मिल जाएगा और इसके साथ ही आपको यहाँ पे कर्व डिस्प्ले भी यहाँ पे मिलता है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्लियर है, शार्प है। इस स्मार्ट वॉच का जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले के चारों तरफ मेटेलिक फ्रेम यूज़ किया गया है और इसलिए इसका जो लुक्स है वो और भी एनहांस हो जाता है। और इसमें यूजुअल बटन आपको एक ही मिलता है राइट साइड में। इस स्मार्ट वॉच का जो स्ट्रैप्स है वो मुझे ठीक ठाक लगा, और अच्छा हो सकता था और सॉफ्ट भी हो सकता था, लेकिन अभी ठीक ठाक है। अगर आपको और ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए और ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हो। इन स्ट्रैप्स को खोलना बहुत ही ईजी है, ऊपर की तरफ एक क्लिप आपको दिखाई दिया जाएगा, इसको नीचे की तरफ पुश करना है। एक बार पुश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुल के आ जाएगा। और लगाना भी ईजी है, ऊपर और नीचे आपको दो होल मिल जाएगा और इन दो होल में इसको आपको सेट करना है। इस स्मार्ट वॉच को अगर हम हाथ में लगाते हैं तो हाथ में लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। इसका डिस्प्ले मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है, 1.78 इंच काफ़ी बड़ा है जो कि मेरे हाथ पे मुझे ठीक ही लग रहा है। इस स्मार्ट वॉच को मोबाइल के साथ कनेक्ट करना बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ जैप एक्टिव ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद जो इनिशियल सारे स्टेप्स हैं वो आपको पता ही है, वो आप खत्म कर लो तो आपका जो स्मार्ट वॉच है मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस स्मार्ट वॉच में एक ऐसा फीचर दिया गया है जो कि जनरली इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर स्मार्ट वॉच में नहीं होता है और वो है गूगल असिस्टेंट का फीचर। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज द गूगल असिस्टेंट। I just wish that everyone had a nickname as cool as mine. Match summary between Brazil and Switzerland. Yesterday, Brazil played Switzerland. The final score was 1-0 Brazil. तो अभी मैं आपको इस स्मार्ट वॉच का जो एक हाईलाइटेड फीचर है ब्लूटूथ कॉलिंग का, उसके बारे में बात करूंगा। इस स्मार्ट वॉच का जो स्पीकर है वो बहुत ही ज्यादा लाउड है और इसका माइक्रोफोन भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अभी मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि इसका स्पीकर और माइक्रोफोन का क्वालिटी कैसा है। हेलो हेलो भाई। हाँ भाई, आवाज सुनाई दे रहा है क्या मेरा? हाँ हाँ, पूरा क्लियर है। क्लियर है क्या पूरा? हाँ पूरा क्लियर है। एक्चुअली मैं अभी मेरे एक स्मार्ट वॉच मैंने खरीदा है, तो उस स्मार्ट वॉच से तुझे फोन कर रहा हूँ। तो उसका साउंड हाँ वो देख लेना, मैं जब वीडियो दूंगा तो देख लेना वो। कुछ दिन में आ जाएगा वीडियो। अच्छा अच्छा, नहीं वो ये चेक करना था कि मुझे साउंड कैसा आ रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सारे सेंसर्स के बारे में बात करूँ तो सारे सेंसर्स मुझे ठीक तरह से काम करते हुए दिखे और एक्यूरेसी रेट जो था हर एक सेंसर्स का मुझे 97-98% लगा। और सेटिंग्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको 100 से भी ज़्यादा वर्कआउट्स देखने को मिल जाएंगे, तो आपको सिर्फ आपके पसंद का वर्कआउट ढूंढना है और स्टार्ट करना है। इस स्मार्ट वॉच में आपको स्लीप ट्रैकिंग का फीचर भी मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको वेदर फोरकास्ट भी देखने को मिल जाता है। इस चैनल में मैंने बहुत सारे स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग किया है और किसी भी स्मार्ट वॉच में आपको इतने अच्छे वॉच फीचर्स नहीं मिलेगा। इस स्मार्ट वॉच में आपको बहुत ही अच्छा वॉच फीचर्स मिलने वाला है, लेकिन प्री इंस्टॉल जितने वॉच फीचर्स है उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा, आपको आपके ऐप से डाउनलोड करना पड़ेगा। इस स्मार्ट वॉच में आपको GPS का फैसिलिटी नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप आपका मोबाइल कैरी करते हो अपने साथ तो आउटडोर रन, वॉकिंग और आउटडोर साइकिलिंग आप ट्रैक कर सकते हो मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के बाद। इस स्मार्ट वॉच में आपको कौन से ऐप का नोटिफिकेशन चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। टैप काउंटिंग का एक्यूरेसी रेट यहाँ पे आपको क्लोज टू 99% मिलता है। मैंने यहाँ पे 20 स्टेप्स लिए थे लेकिन यहाँ पे शो कर रहा था 19 स्टेप्स। कभी कभी एक्यूरेट आता है, कभी कभी एक कम आ जाता है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
स्मार्ट वॉच को अगर आप बाहर ले जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका ब्राइटनेस कितना है। ब्राइटनेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, ब्राइटनेस का कोई इशू नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलता है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे एक बार आप ऑन करते हो सेटिंग्स में जाके तो आपके स्मार्ट वॉच में हमेशा टाइम शो करता रहेगा। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है कि आप डिजिटल वॉच रखो और दूसरा आपको मिलता है ऑप्शन कि आप एनालॉग वॉच रखो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।